मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां मंत्री सारंग ने विदिशा दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि हादसे में घायल दो युवकों को हमीदिया अस्पताल रिफर किया गया था, जिसमें से एक युवक की आंतों का ऑपरेशन हुआ है। वहीं प्रदेश मंत्री ने बताया कि सभी मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिल गया है, घायलों का चेक भी बन गया है। इसके अलावा दोबारा ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए स्ट्रेटजी भी बनाई जाएगी। साथ ही ऐसे हादसों को रोकने के लिए जन जागरण का अभियान भी चलाया जाएगा। कुए का हादसा हुआ था, कैसे सामने थोड़ा, उसमें से दो जो घायल व्यक्ति हैं गोलू और मनोज, अपनी आईडी ऊपर, उनको हमने पहले विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था और वहां से गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में उनको रेफर किया है। मनोज को पेट में इंजरी थी और सर्जरी की जरूरत थी, उसकी सर्जरी हो गई है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स की पूरी टीम ने उसकी सफल पेट की सर्जरी की है। दूसरा घायल गोलू, जिसको फ्रैक्चर है, उसका भी प्राथमिक उपचार शुरू हो गया है। सोमवार को उसकी भी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। सोमवार